हे गाइज, वेलकम टू माई मैजिक चैनल हिंदी मैजिक ट्रिक्स। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं हमेशा की तरह घर के सामान से होने वाला मैजिक आपको दिखाऊंगा और बाद में आपको सिखाऊंगा भी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो गाइज, मैंने काफ़ी टाइम से एक कमेंट देख रहा था अपने कमेंट बॉक्स में नीचे, वीडियोज़ के नीचे, हर वीडियो के नीचे कभी ना कभी एक ना एक कमेंट आ ही जाती है कि सर प्लीज़ बॉटल मैजिक ट्रिक करके दिखाइए। तो कल मैं गया था मार्केट और वहाँ से मैं बॉटल लेके आ गया, तो आज मैं इस मैजिक को आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और गाइस यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा और इस मैजिक को सीख लिया और सीखने के बाद जब भी आप अपने दोस्तों को दिखाओगे तो वो गाइस 100% इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको एक जादूगर मैजिशियन मानने लगेंगे। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं क्या है ये ट्रिक और कैसे आप इसे कर सकते हैं, और इसे सीखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें। अगर आप स्किप करोगे तो आपको गाइस समझ में नहीं आएगा और आप इसे अच्छी तरह से मैजिक को नहीं कर पाओगे, और अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे तो कोई भी आपके मैजिक को पकड़ लेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के इस कमाल के और धमाल मैजिक ट्रिक को। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास आज है यहाँ पे एक सिंपल सी खाली बोतल। तो गाइस, ये माउंटेन ड्यू की 250 ml वाली खाली बोतल है। मैं आपको इसको हिला हिला के दिखा देता हूँ कि इस बोतल के अंदर कुछ भी नहीं है, ये एकदम से खाली बोतल है। तो इस बोतल के साथ में गाइस आज होने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग और कमाल की मैजिक वीडियो, और ऐसी मैजिक वीडियो गाइस, ऐसा मैजिक आपने पहले कभी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, ठीक है। अगर देखा है आपने तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ ये मैजिक मैंने पहले देखा है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पता चल पाएगा ये मैजिक पहले वीडियो पे यूट्यूब पे आया है या नहीं। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, क्योंकि हमेशा की तरह पहले इसमें इस मैजिक को मैं आपको करके दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा इसके पीछे का सीक्रेट, जिससे आप भी आसानी से इस मैजिक को सीख पाएंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल बिल्कुल बिना स्किप किए देखते रहिए, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैजिक को कैसे किया जाता है। तो चलिए मैजिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने दिखाई दिया इस बोतल को, क्योंकि इस बोतल में कुछ भी नहीं है। तो अब मैं खोलता हूँ इसके ढक्कन को, ठीक है, और इस ढक्कन के अलावा फिर से मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। देख लीजिए, कुछ भी नहीं इस बोतल के अंदर, ये बोतल बिल्कुल खाली है। तो अब ये जो ढक्कन था, इसे मैं उठाता हूँ यहाँ से और डालता हूँ इस बोतल के अंदर, ठीक है। कहाँ से डालूँगा, यहाँ से तो पॉसिबल है नहीं, तो मैं डालूँगा मैजिकल तरीके से, ठीक है। इसके अंदर बोतल के ढक्कन को पहुँचाने के लिए मैजिकल पावर ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहले मैं मैजिकल पावर ले लिया है, मैंने मैजिकल पावर इस लिड के ऊपर। अब ये लिड इस बोतल के अंदर जाने वाला है, आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा नजदीक कर देता हूं बोतल को ताकि आपको ध्यान से पूरा विजिबल हो ये मैजिक ट्रिक, ठीक है। 1 2 3 तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पे जो ढक्कन था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो जो ढक्कन था वो पहुंच गया है इस बोतल के अंदर, देख सकते हो, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, आवाज भी आ रही होगी, ठीक है। तो गाइज, ये मैजिक कैसे हुआ और आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो गाइज, आपको ये मैजिक अच्छा लगा है ना, अच्छा लगा है ना, तो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, बिल्कुल ना भूलें, और नीचे कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं आपके मैजिक की रिक्वेस्ट कि कल मुझे कौन सी मैजिक ट्रिक अपलोड करनी चाहिए, तो मैं वो मैजिक ट्रिक अपलोड कर दूंगा। हो सकता है गाइस थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैजिक रिक्वेस्ट मुझे आ रही हैं, तो काफ़ी लोग डेली वीडियोज़ के नीचे कमेंट कर करके एक ही मैजिक की मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो गाइस, बार बार रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं आपकी उस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आपको पता है मैं डेली एक मैजिक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पर, तो आपका नंबर बहुत ही जल्दी आएगा, आपकी मैजिक वीडियो में जरूर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। तो उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर रहे हैं, जिससे आपको आगे के पूरे वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो इस मैजिक को करने के लिए हमें चाहिए दो खाली बोतल, और बोतल आप छोटी लेना गाइस, क्योंकि बड़ी बोतल में मजा नहीं आएगा इस मैजिक को दिखाने में ना आपको करने में, ठीक है। तो चलिए, आपको सबसे पहले जो सेटअप करना है मैं आपको बता देता हूँ। दो बॉटल्स में आपको सेटअप नहीं करना है, सिर्फ एक बॉटल में आपको सेटअप करना है। तो सेटअप क्या करना है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बॉटल मेरे हाथ से गिर गई है, तो वैसे भी मुझे उसे साइड ही करना था। तो चलिए, सेटअप कैसे होता है पहले मैं आपको सेटअप करके दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है गाइस, इस बॉटल के अंदर एक छोटा सा होल बनाना है, जिसके अंदर ये जो लिड है वो इसके अंदर
यहाँ पे हम लगा सकें। तो गाइज़ इसको ऐसे ही देख के मत भाग जाना कि आपको पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पे ढक्कन ऑलरेडी होल्ड करके छिपा रखा था। लेकिन इस मैजिक को कैसे करना है जिससे कि सामने से आप किसी को पता ना चले देखने वाले को, वो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इसका सही तरीका क्या है इस मैजिक को करने का, जिससे सामने वाले लोग जो आपका ये मैजिक देख रहे हैं, जैसे आप ये मैजिक दिखा रहे हो, उन्हें पता ना चले और मैजिक देखने में अच्छा लगे। ऐसा अगर आपको करना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो चलिए अभी मैं आपको इसका सेटअप करके बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये यहाँ से आपका इसको जो रैपर है उसको यहाँ से आपको धीरे धीरे रिमूव कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हो, तो आपको क्या करना है, ये जो सेंटर है आप यहाँ से देख लीजिए, ये इसके पीछे जस्ट यहाँ पे हमको होल करना है। तो होल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे एक ब्लेड की, आप नॉर्मल ब्लेड ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल ब्लेड है। आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो रैपर है, ठीक है, इसके बीचों बीच कट लगना चाहिए। और रैपर कहाँ पे लगा है, ये जो मार्क है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये जो मार्क है बॉटल का, यहाँ पर हमें बीचों बीच ये लगाना है कट। तो चलिए पहले मैं कट लगा देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक कट लगा लिया है और इसमें मैं लगाता हूँ अभी इस ढक्कन को, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ढक्कन इसके अंदर मैंने हाफ इंसर्ट कर दिया है, हाफ ढक्कन को मैंने इसके अंदर काट के ऑलरेडी घुसा दिया है, ठीक है। तो गाइस सेटअप हो चुका है कम्प्लीट इस मैजिक को करने के लिए। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि सेटअप कैसा दिखता है कम्प्लीट होने के बाद में। तो देख सकते हो आधा जो ढक्कन है हमने इस बॉटल के अंदर काट के घुसाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आप इसको ऐसे रख दोगे बॉटल को, तो आपको सामने से जो देख रहा है उसे पता ही नहीं चलेगा किसके पीछे काट के हमने एक ढक्कन अंदर घुसा रखा है, देख सकते हो गाइज। तो गाइज कुछ ध्यान रखने वाली बात है इस मैजिक ट्रिक को करने से पहले, यानी किसी को मैजिक जब आप दिखा रहे हो तो उससे पहले कुछ आपको बातें ध्यान देनी पड़ेंगी। तो वो बातें कौन सी हैं, पहली बात तो ये है कि गाइज जो एंगल है, जो ऑडियंस आपको देख रही है उसका एंगल और उसका जो लोकेशन है ऑडियंस का, ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे कि मेरे सामने ये कैमरा रखा हुआ है। तो गाइस कोई भी जो ऑडियंस है या आप दोस्तों को दिखा रहे हो, तो कोई भी आपका दोस्त या आपका कोई फैमिली मेम्बर आपके आजू बाजू में या आपके पीछे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो भी मैजिक देख रहे हैं वो आपके सामने होने चाहिए। और गाइस काफ़ी लोग बोलते हैं कि विजय भाई ये मैजिक तो पता चल जाएगा अगर हम किसी को दिखाएंगे तो। गाइस तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आपको पता नहीं चला वैसे ही किसी और को भी पता नहीं चलेगा। बट आपको करना क्या होगा, आपको ध्यान देना है कि जो आपकी ऑडियंस है वो ठीक आपके सामने हो, जैसे कि मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है। तो और गाइस आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी है कि आपको ये जो पेपर है, जो रैपर है, उसके बीचों बीच इसे लगाना है। अगर थोड़ा सा ऊपर आप कर दोगे या नीचे कर दोगे तो ये गाइस दिखाई दे जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, नीचे से भी दिखाई दे जाएगा और ऊपर से भी दिखाई दे जाएगा। अगर आप इसे सेंटर में रखोगे तो गाइस आप देख सकते हो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा सामने से कि इसमें कोई ढक्कन हमने काट के घुसाया हुआ है। तो चलिए गाइस अभी आपको बता देता हूँ कि इस गिमिक के साथ में, जो बॉटल से हमने बनाया है, इस गिमिक के साथ में मैजिक आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको मैंने बोला था कि इस गिमिक को, मैजिक को करने के लिए आपको दो बोतल की ज़रूरत होगी। वो इसलिए होगी कि दूसरी बोतल से आपको इसका एक ढक्कन चाहिए और इस बोतल का कोई काम नहीं है, ठीक है, ये बेकाम की है। और यहाँ पे जो हमारे पास उसका ढक्कन है उसे लगाएंगे हम इस ढक्कन में, इस बोतल में, ठीक है, और जो दूसरा ढक्कन है वो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो चलिए अभी आपको एक बार मैजिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास गिमिक रेडी हो गया तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, देखिए मेरे पास खाली बॉटल है, इसको हिला हिला के दिखा दूंगा। देखिए नज़दीक से देख लीजिए, कुछ नहीं है। और आपको ध्यान देना है, जैसे अभी दिखाई दिया था कि एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मेरे से गलती हो गई, तो यहाँ पे दिखाई दे गया पीछे से, देखो कटा हुआ है, ठीक है। तो आपको हिला के ऐसे दिखाना है, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं करना है, हिला के दिखा दिया। अब आपको खोलना है ढक्कन, ठीक है। तो अब आपको हाथ में कुछ टेढ़ी कर लेनी है बोतल कुछ इस तरीके से, और पीछे कुछ इस तरीके से ढक्कन के ऊपर आपको अपना थंब रखना है इसे अंदर डालने के लिए ढक्कन को, ठीक है। तो जैसे हम करते हैं, देखिए अब ये जो ढक्कन है मैं इस बोतल के अंदर डालने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए गाइज, आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4। तो गाइज अभी मैंने आपको दिखाने के लिए ये जो ढक्कन था वो मैंने अपने हाथ में रखा था, ठीक है। तो अभी करते कैसे हैं, प्रॉपर कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था मैजिक, ठीक है। तो एक बार मैं ढक्कन को फिर से इसके अंदर से निकाल लेता हूँ,
तो यहाँ पे मैंने ढक्कन को फिर से बाहर निकाल लिया है और ढक्कन को लगा दिया मैंने बॉटल के ऊपर। तो मैंने क्या किया था, अब ये ढक्कन कैसे गायब होता है हाथों में से, ठीक है। तो एक ढक्कन हमने लगा के रखा है ऑलरेडी कुछ इस तरीके से, दूसरे ढक्कन को जब हम खोल के दिखाते हैं ऑडियंस को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ढक्कन खोल के रख लेते हैं, ठीक है, खोलने के बाद, और बॉटल को दिखाते हैं, देखिए बॉटल के अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब हम ये ढक्कन लेते हैं, ठीक है, वापस इसमें हाथ में लेके ऐसे घुसाने के लिए लेते हैं, तो ये ढक्कन है यहाँ पे होता है, और जब हम इसको ऐसे लेते हैं तो इसको हम नीचे गिरा देते हैं, ठीक है। जो ढक्कन था वो नीचे गिर चुका है, मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, और मैं ऐसे ही नाटक करता हूँ, देखिए अब इस ढक्कन को मैं डालने वाला हूँ इस बॉटल के अंदर, 1, 2, 3। तो गाइज आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है ना, अगर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और भी अच्छे अच्छे मैजिक के वीडियोस देखने के लिए और मैजिक सीखने के लिए। और आपको याद दिला दूं कि आप भी मैजिक की रिक्वेस्ट कर सकते हो नीचे कमेंट करके, कमेंट नीचे करिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके मैजिक के ऊपर वीडियो बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को बजाना ना भूलें, और मैं मिलता हूं आपसे कल एक और नई मैजिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए